जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू कल्याणी आईएएस एकेडमी। इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी रोबोटिक्स। नाउ स्टार्ट द लेक्चर एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज रोबोटिक्स। सी, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी की वह ब्रांच होती है जिसमें रोबोट्स की स्टडी की जाती है, विच मीन्स यह टेक्नोलॉजी की वह ब्रांच है जो डील करती है कि रोबोट की डिज़ाइन कैसी हो, रोबोट का कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाए, रोबोट्स के क्या ऑपरेशन होने चाहिए, या रोबोट्स की मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो, या रोबोट्स के एप्लीकेशंस कैसे हो। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हम समझते हैं कि रोबोट क्या होता है। देखिए, रोबोट एक ऐसी एडवांस मशीन होती है जो कि ह्यूमन एक्शन को सब्स्टिट्यूट करती है, विच मीन्स ह्यूमन जो एक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं या परफॉर्म करते हैं, वही एक्शंस जो है रोबोट के द्वारा भी परफॉर्म किए जा सकते हैं। या फिर अगर हम देखें तो ह्यूमन हैज़ लिमिटेड कैपेबिलिटीज, राइट, बट रोबोट को स्मॉल साइज में, माइक्रो साइज में या लार्ज साइज में भी जो है मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, जिससे डिफिकल्ट एक्शंस भी जो है रोबोट के द्वारा परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो रोबोट्स को जिस ब्रांच में या जिस ब्रांच में स्टडी किया जाता है उसको ही क्या कहा जाता है, रोबोटिक्स कहा जाता है। तो इस तरीके से हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं कि रोबोटिक्स क्या है। तो देखिए, रोबोटिक्स इज द ब्रांच ऑफ टेक्नोलॉजी दैट डील्स विद द डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, स्ट्रक्चरल डिपोजिशंस, राइट, मैन्युफैक्चर एंड एप्लीकेशंस ऑफ रोबोट। या फिर हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि रोबोटिक्स इज द इंटरसेक्शन ऑफ साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। क्यों? क्योंकि रोबोट को बनाने के लिए साइंस के लॉस की भी जो है जानकारी होनी चाहिए, साथ ही साथ इसमें इंजीनियरिंग स्किल्स भी रिक्वायर्ड होती हैं, और टेक्नोलॉजी, जैसे क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इन तीनों का यूज़ करके ही एडवांस मशीनें बनाई जाती हैं, जिनको क्या कहते हैं, रोबोट्स कहते हैं। तो इस तरीके से हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि रोबोटिक्स इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी दैट प्रोड्यूसेस मशीन्स कॉल्ड रोबोट्स दैट सब्स्टिट्यूट फॉर ह्यूमन एक्शंस। जो वर्ड रोबोट है इसका मतलब क्या होता है? तो चेज लैंग्वेज में, इन चेज लैंग्वेज, रोबोट मीन्स हार्ड वर्किंग बॉन्डेड लेबर। और जो जोसेफ एंजेल वर्गर हैं, ये फादर ऑफ क्या कहे जाते हैं, रोबोटिक्स कहे जाते हैं। तो यहाँ से MPPSC में सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि हु इज़ द फादर ऑफ रोबोटिक्स। तो जोसेफ एंजेल वर्गर, राइट, जोसेफ एंजेल वर्गर इज़ द फादर ऑफ रोबोटिक्स। क्लियर? अब रोबोटिक्स को समझने के लिए हमको रोबोट के बारे में पता होना चाहिए। तो रोबोट के बारे में और भी डिटेल्स अगर हम देखें तो रोबोट एक मशीन होती है जो कि प्रोग्रामेबल होती है, अर्थात कंप्यूटर का यूज़ करके इसको, इसकी प्रोग्रामिंग की जाती है। और जो भी प्रोग्राम होती हैं, हमने देखा है कि प्रोग्राम क्या होता है, राइट, प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनके बेस्ड पर मशीन क्या करती है, किसी भी टास्क को एग्जीक्यूट करती है। तो कंप्यूटर के द्वारा रोबोट को प्रोग्रामेबल या रोबोट की प्रोग्रामिंग की जाती है, उन्हीं प्रोग्रामिंग्स के आधार पर रोबोट जो है वो कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ एक्शंस को क्या करता है, कैरी आउट करता है, और वो भी क्या, ऑटोमेटिकली, मतलब उन्हीं प्रोग्राम्स के आधार पर। तो इस तरीके से रोबोट क्या हुआ, रोबोट इज अ मशीन स्पेशली वन प्रोग्रामेबल बाय कंप्यूटर एंड केपेबल ऑफ कैरिंग आउट अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ एक्शंस ऑटोमेटिकली। जो रोबोट है उसको कंट्रोल दो तरीके से किया जा सकता है। तो रोबोट कैन बी गाइडेड और कंट्रोल्ड बाय एन एक्सटर्नल कंट्रोल डिवाइस, जैसे क्या हो जाएगा, रिमोट हो जाएगा। तो रोबोट कैन बी गाइडेड बाय एक्सटर्नल कंट्रोल डिवाइस और कंट्रोल मे बी एम्बेडेड विद इन द रोबोट, राइट। रोबोट्स को जनरली अगर हम देखें तो उसको कैसे डिज़ाइन किया जाता है, तो रोबोट्स में भी कंस्ट्रक्टेड टू इवोक ह्यूमन फॉर्म। और ऐसे रोबोट जो ह्यूमन फॉर्म को इवोक करते हैं उनको ह्यूमनाइड रोबोट कहते हैं। बट जो मोस्ट रोबोट्स होते हैं वो टास्क परफॉर्मिंग मशीन्स होती हैं। जनरली आपने रोबोट मूवी देखी होगी या फिर कई हॉलीवुड मूवीज़ हैं, तो जैसे हम रोबोट देखते हैं तो हमारे सामने जो है रोबोट का चित्ती सामने आता है। बट
वो क्या है, एक ह्यूमनाइड रोबोट है, बट मोस्ट ऑफ द जो रोबोट्स होते हैं वो टास्क परफॉर्मिंग क्या होती है, मशीन्स होती हैं, डिजाइंड विद एन एम्फेसिस ऑन स्टार्क फंक्शनैलिटी रेदर देन एक्सप्रेसिव एस्थेटिक्स। तो रोबोट को एस्थेटिक्स के लिए डिज़ाइन नहीं किया जाता है, बल्कि डिफरेंट जो टास्क हैं उनकी परफॉर्मेंस के लिए रोबोट को क्या किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है। नाउ लेट्स स्टडी हिस्ट्री ऑफ रोबोट्स, और यहाँ से जो कई क्वेश्चंस हैं वो एमसीक्यूज में सीधे सीधे जो हैं पूछे जाएंगे, राइट? तो हम जो है हिस्ट्री ऑफ रोबोट्स को बहुत अच्छे से यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो वर्ड रोबोट है ये पहली बार यूज़ किया था किसने, कैरल कैपिक ने, और कैरल कैपिक ने अपने प्ले में जिसका नाम क्या था, रोसम्स यूनिवर्सल रोबोट, इसमें कैरल कैपिक ने रोबोट वर्ड का पहली बार यूज़ किया था। बट एक्चुअली में इस वर्ड के जो ट्रू इन्वेंटर हैं वो कैरल कैपिक के भाई कौन है, जोसेफ कैपिक है, राइट? तो अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा जाए हु इज़ द ट्रू इन्वेंटर ऑफ द वर्ड रोबोट, तो उसमें आंसर क्या आएगा, जोसेफ कैपिक, या जोसेफ कैपिक अगर ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपका आंसर क्या होगा, कैरल कैपिक होगा, राइट? तो इस तरीके से पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि ध्यान रखना, रोबोट जो वर्ड है उसका यूज़ पहली बार कैरल कैपिक ने अपने प्ले RUR या रोसम्स यूनिवर्सल रोबोट में किया था, और जो रोबोटिक्स है, राइट, रोबो जो टिक्स वर्ड है इसका यूज़ पहली बार किया था आइज़ैक असिमोव ने। तो आइज़ैक असिमोव ने ही रोबोटिक्स वर्ड को क्या किया था, कॉइन किया था, और उन्होंने ही 3 लास ऑफ रोबोटिक्स भी दिए थे। फिर अगर हम देखें तो जो पहला इंडस्ट्रियल रोबोट था वो किसने बनाया था, जॉर्ज डेबोल ने बनाया था, 1954 में बनाया था, और इन्हें ही मॉडर्न रोबोटिक्स इंडस्ट्री का क्या माना जाता है, फाउंडर माना जाता है। और जॉर्ज डेबोल के साथ में जो थे एंजल वर्कर, राइट, एंजल वर्कर ने भी, एंजल वर्कर और जोसेफ डेबोल ने एक कंपनी बनाई थी, राइट, जिन्होंने प्यूमा नामक एक क्या बनाया था, रोबोट बनाया था। अर्थात इन दोनों की कंपनी जो है मॉडर्न रोबोट्स बनाती है, इसलिए जोसेफ एंजल वर्कर को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ रोबोटिक्स भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना, जॉर्ज डेवोल को कहा जाता है, जॉर्ज डेवोल इज द इन्वेंटर ऑफ फर्स्ट इंडस्ट्रियल रोबोट जिसका नाम क्या है, यूनिमेट है। वहीं रोबोटिक्स के जो फादर कौन है, वो हैं जोसेफ एंजल वर्गर, राइट। रोबोट वर्ड को किसने दिया है, तो रोबोट वर्ड को दिया है कैरल कैपिक ने, पहली बार यूज किया है। ट्रू इन्वेंटर कौन है, जोसेफ कैपिक है, राइट। और रोबोटिक्स वर्ड किसने क्वाइन किया है, तो आइज़ैक असिमोव ने, राइट। ये 4 पॉइंट्स आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। इसके अलावा और कुछ फैक्ट्स हैं, हम उनको भी देखेंगे, क्लियर। तो मैं समराइज करना चाहूंगा यहां पर जो टर्म रोबोट है, तो द टर्म रोबोट वाज फर्स्ट यूज्ड इन अ प्ले, तो रोबोट वर्ड को पहली बार यूज किया गया था कैरल कैपिक के द्वारा अपने प्ले जिसका नाम क्या था, रोसम्स यूनिवर्सल रोबोट या RUR। तो कैरल कैपिक ने अपने प्ले RUR रोसम्स यूनिवर्सल रोबोट्स में रोबोट वर्ड को पहली बार यूज किया था, राइट, 1921 में। बट जो रोबोट वर्ड है उसके रियल इन्वेंटर कौन है, तो ये कैरल कैपिक के वर्दार जोसेफ कैपिक हैं। वहीं रोबोटिक्स जो वर्ड है, रोबोटिक्स वर्ड वाज क्वाइंड बाय, राइट, आइज़ैक असिमोव, राइट। तो आइज़ैक असिमोव ने रोबोटिक्स वर्ड को क्वाइन किया था, और आइज़ैक असिमोव ने ही 3 लॉस ऑफ रोबोटिक्स भी जो है फॉर्मुलेट किए थे। तो आइज़ैक असिमोव फॉर्मुलेटेड 3 लॉस ऑफ रोबोटिक्स। उसके बाद में अगर हम देखें तो यूनिमेट पहला डिजिटली ऑपरेटेड एंड प्रोग्रामेबल क्या था, रोबोट था, जिसका यूज इंडस्ट्री में किया गया था। तो यूनिमेट इज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रोबोट एंड इट वॉज फर्स्ट डिजिटली ऑपरेटेड एंड प्रोग्रामेबल रोबोट, जिसको इन्वेंट किया था किसने, जॉर्ज डेबोल ने। तो जॉर्ज डेबोल इन्वेंटेड फर्स्ट डिजिटली ऑपरेटेड प्रोग्रामेबल रोबोट और इंडस्ट्रियल रोबोट यूनिमेट, इसीलिए इनको फाउंडर ऑफ मॉडर्न रोबोटिक इंडस्ट्री भी कहा जाता है। फिर अगर हम देखें तो नेक्स्ट हिस्ट्री में टेकियो कैनाडे क्रिएटेड द फर्स्ट डायरेक्ट ड्राइव आर्म इन 1981। ये भी सीधा एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो डायरेक्ट ड्राइव आर्म वॉज इन्वेंटेड इन 1981 बाय टेकियो
कैनाडे, राइट। देन रोबोट असिस्टेड सर्जरी अप्लायंसेस, इसको क्लियर जो क्लियरेंस दिया गया था वो दिया गया था एफडीए के द्वारा। तो यूएसए में एक एजेंसी है, राइट, यूनाइटेड स्टेट्स फूड्स एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इसके क्लियरेंस के बाद ही कोई भी इक्विपमेंट या कोई भी मेडिसिन मार्केट में लॉन्च की जाती है। तो एफडीए के क्लियरेंस के बाद ही रोबोट असिस्टेड जो सर्जरी अप्लायंसेस थे, राइट, उनको जो है क्लियरेंस दिया गया था 1994 में, और रोबोट्स का मेडिकल फील्ड में भी यूज़ किया जाने लगा। फिर रोम्बा, रोम्बा एक क्या है, रोबोट है, जो कि रोबोट क्या है, वैक्यूम क्लीनर है। तो रोम्बा अ रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर वाज इन्वेंटेड इन 2002 बाय आई रोबोट, राइट। फिर जो जॉर्ज ड्यूवल थे और जोसेफ एंजल वर्कर थे, इन्होंने यूनिमेशन एक कंपनी बनाई थी जो कि मॉडर्न रोबोट्स को बनाती है, इसलिए जोसेफ एंजल वर्कर को ही फादर ऑफ रोबोटिक्स भी कहा जाता है। अब हम समझते हैं यहाँ पर लॉस ऑफ रोबोट्स। तो इसमें तो सीधी सीधी सी बात है, आपको यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे हु फॉर्मुलेटेड द लॉस ऑफ रोबोटिक्स, तो आइज़ैक आसिमोव हो जाएंगे। कितने लॉस हैं, 3 लॉस हैं। हो सकता है कि आपसे एमसीक्यू में पूछा जाए कि विच इज़ नॉट द लॉस फॉर्मुलेटेड बाय आइज़ैक आसिमोव, राइट। तो इसको इसके लिए 3 जो जितने भी 3 रूल्स हैं वो हमको पता होना चाहिए, तो उनको हम जो है 1 by 1 पढ़ेंगे, राइट। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आइज़ैक आसिमोव, राइट, आइज़ैक आसिमोव कॉइन्ड द वर्ड रोबोटिक्स, और आइज़ैक आसिमोव आल्सो फॉर्मुलेटेड 3 लॉस ऑफ रोबोटिक्स। अब ये लॉस हैं क्या, राइट, तो देखिए जो लॉस ऑफ रोबोटिक्स हैं, लॉस ऑफ रोबोटिक्स आर सेट ऑफ लॉस रूल्स और प्रिंसिपल्स जो कि रोबोट के बिहेवियर को क्या करते हैं, अंडरपिन करते हैं, राइट, और उसको एक सर्टेन डिग्री ऑफ ऑटोनोमी भी क्या करते हैं, अवेलेबल कराते हैं। तो द 3 लॉस ऑफ रोबोटिक्स वर फॉर्मुलेटेड बाय आइज़ैक आसिमोव, राइट, एंड दीज आर अ सेट ऑफ लॉस, दीज लॉस आर सेट ऑफ लॉस रूल्स प्रिंसिपल्स विच आर इंटेंडेड एज अ फंडामेंटल फ्रेमवर्क टू अंडरपिन द बिहेवियर ऑफ रोबोट्स डिजाइन टू हैव अ डिग्री ऑफ ऑटोनोमी। अब ये 3 लॉस कौन कौन से हैं, तो पहला क्या है कि अ रोबोट मे नॉट हार्म अ ह्यूमन बीइंग, राइट, या किसी भी ह्यूमन को इंजर नहीं करेगा। तो रोबोट मे नॉट इंजर और हार्म अ ह्यूमन बीइंग, राइट। सेकेंड लॉ क्या हो जाएगा, अ रोबोट मस्ट ओवे द ऑर्डर्स गिवन बाय ह्यूमन बीइंग्स, एक्सेप्ट क्या है कि जो फर्स्ट लॉ है वो ब्रोक नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एन एग्जांपल, जैसे ये 2 पर्सन हो जाएंगे, ये हो जाएगा मिस्टर ए एंड ये एक पर्सन हो जाएगा, ये हो जाएगा मिस्टर बी। अब मिस्टर ए ने एक रोबोट को क्या किया, जैसे मैंने मान लिया कि ये रोबोट है, तो मिस्टर ए ऑर्डर्ड दिस रोबोट कि किल द पर्सन बी। तो अगर ये रोबोट यहाँ पर मिस्टर ए की बात मानता है, जो कि दूसरा रूल है, क्योंकि रोबोट मस्ट ओवे द ऑर्डर्स गिवन बाय ह्यूमन, और इन्होंने ऑर्डर क्या दिया कि किल द पर्सन बी, तो यहाँ पर अगर ये इसको किल कर देता है तो फर्स्ट रूल क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इसीलिए ये कहा गया है कि फर्स्ट लॉ ब्रेक नहीं होना चाहिए, और मतलब कि ह्यूमन को हार्म किए बगैर जो है रोबोट को सारे के सारे रूल्स और जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो ऑर्डर्स हैं वो ओबे करना चाहिए। थर्ड क्या है कि रोबोट मस्ट प्रोटेक्ट इट्स ओन एग्जिस्टेंस, राइट, बट इसमें भी फर्स्ट और सेकेंड जो लॉ है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, राइट। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि कोई पर्सन है जो कि रोबोट से क्या करता है, हिट करता है, और ये इस रोबोट को हर्ट कर रहा है, राइट, टॉर्चर कर रहा है, तो इस केस में इस रोबोट्स को अपनी जो है एग्जिस्टेंस को प्रोटेक्ट करना है, बट ये इस पर्सन को क्या करेगा, अटैक नहीं करेगा, राइट। तो इस तरीके से ये क्या है, 3 लॉज हैं, बिल्कुल सिंपल हैं। तो दीज 3 लॉज ऑफ रोबोटिक्स, फर्स्ट क्या है, अ रोबोट मे नॉट इंजर अ ह्यूमन बीइंग, और अ रोबोट मे नॉट हार्म द ह्यूमन बीइंग। सेकेंड क्या है कि रोबोट मस्ट ओवे द ऑर्डर्स गिवन बाय ह्यूमन बीइंग्स, बट इसमें फर्स्ट जो रूल है वो जो है ब्रेक नहीं होना चाहिए। थर्ड क्या है, अ रोबोट मस्ट प्रोटेक्ट इस एग्जिस्टेंस, बट इस प्रोसेस में फर्स्ट और सेकेंड लॉ भी ब्रेक नहीं होना चाहिए।
चलिए अब हम जो है इंपॉर्टेंट जो रोबोट्स हैं उनके बारे में यहां पर चर्चा करते हैं, राइट। जिसमें सबसे पहला कौन सा हो जाएगा, यूनिमेट हो जाएगा। तो देखिए यूनिमेट के बारे में अभी मैंने बताया था कि यूनिमेट जो है फर्स्ट इंडस्ट्रियल रोबोट है, साथ ही साथ ये फर्स्ट डिजिटली प्रोग्रामेबल रोबोट भी है, जिसको किसने बनाया था, जॉर्ज डिबोल ने बनाया था, 1954 में बनाया था। तो तीनों जो पॉइंट्स हैं ये एमसीक्यू में एमपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। विच इज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रोबोट, यूनिमेट किसने बनाया, जॉर्ज डिबोल ने 1954 में, क्लियर। तो यूनिमेट इज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रोबोट विच इज आल्सो फर्स्ट डिजिटल प्रोग्रामेबल रोबोट इन्वेंटेड इन 1954 बाय जॉर्ज डिबोल। देन उसके बाद में हो जाएगा सेकी। तो सेकी इज द फर्स्ट मोबाइल रोबोट। मोबाइल मतलब जो है वन प्लेस से अनदर प्लेस क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। जो यूनिमेट है वो एक स्टेशनरी रोबोट है जो कि मूव नहीं कर सकता है, बट जो फर्स्ट मोबाइल रोबोट है वो कौन सा है, सेकी है। तो सेकी इज द फर्स्ट मोबाइल रोबोट विच कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड दिस सेकी रोबोट वॉज इन्वेंटेड इन 1970 बाय SRI। देन थर्ड क्या हो जाएगा यहाँ पर, वीवोट हो जाएगा एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखिए वीवोट पहला ऐसा रोबोट है जो कि कैसा है, ह्यूमनाइड है, साथ ही इंटेलिजेंट रोबोट है, और थर्ड थिंग इज दैट कि ये कैसा है, एंड्रॉयड रोबोट है। तो वीवोट फर्स्ट इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट फुल स्केल ह्यूमनाइड इंटेलिजेंट रोबोट एंड फर्स्ट एंड्रॉयड रोबोट एंड दिस वीवोट रोबोट वॉज इन्वेंटेड बाय वासेदा यूनिवर्सिटी इन 1972। उसके बाद में हो जाएगा फेमुलस, राइट। तो जो फेमुलस है ये भी एक इंडस्ट्रियल रोबोट है, बट ये एक इसमें क्या है, 6 इलेक्ट्रोमैकेनिकली क्या है, ड्राइवन, राइट, ड्रिवन क्या है, एक्सेस है। तो इसमें 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली ड्रिवन एक्सेस है जिसकी वजह से ये 360 डिग्री में क्या कर सकता है, जो है किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकता है। तो फेमुलस इज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रोबोट विद 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली ड्रिवन एक्सेस एंड फेमुलस रोबोट वॉज इन्वेंटेड बाय कूका रोबोट ग्रुप इन 1973। आफ्टर दैट हो जाएगा यहाँ पर HRP-2M क्या हो जाएगा, कोरोमेट हो जाएगा। तो जो HRP-2M जो कोरोमेट है ये फर्स्ट क्या है, ह्यूमनाइड रोबोट है, या इसको जो है ह्यूमन शेप जो है दिया गया था। तो HRP-2M कोरोमेट इज द फर्स्ट ह्यूमनाइड रोबोट, इट वर्क्स ऑन आर्ट लिनक्स और इसको डेवलप किया गया था जापान के द्वारा। फिर हो जाएगा उसके बाद में IRV-6। तो IRV-6 जो है पहला ऐसा कंप्यूटर है, पहला ऐसा रोबोट है जिसको माइक्रो कंप्यूटर के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है और ये एक इंडस्ट्रियल रोबोट है। तो IRV-6 इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर कंट्रोल्ड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रियल रोबोट, राइट। एंड इसकी जो डिज़ाइन थी वो कब पेटेंट करा ली गई थी, 1972 में। तो द डिज़ाइन ऑफ IRV-6 रोबोट हैड बीन पेटेंटेड इन 1972, बट इसको जो मैन्युफैक्चर किया गया था वो 1974 में किया गया था। तो इट वाज डेवलप्ड और इट वाज इन्वेंटेड इन ABB रोबोट ग्रुप इन 1974। इसकी डिज़ाइन पेटेंट हो चुकी थी 1972 में और ये एक माइक्रो कंप्यूटर कंट्रोल्ड इलेक्ट्रिक क्या है, इंडस्ट्रियल रोबोट है। देन क्या हो जाएगा, प्यूमा हो जाएगा। प्यूमा का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल, राइट, मैनिपुलेशन, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, आर्म। तो PUMA, राइट। तो प्यूमा ये एक यूनिमेशन का क्या है, प्रोडक्ट है, और मैंने बताया था कि यूनिमेशन एक क्या है, कंपनी है जिसको जॉर्ज डिबोल और एंजेल वर्जर, राइट, जो कि फादर ऑफ रोबोटिक्स हैं, उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था, राइट। इसीलिए जो एंजल वर्गर हैं उनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ रोबोटिक्स कहा जाता है, और इसी यूनिवेशन कंपनी ने ही क्या बनाया था, प्यूमा। तो प्यूमा का फुल फॉर्म है, प्यूमा इज प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मैनिपुलेशन आर्म, जो कि एक यूनिवेशन का प्रोडक्ट है, राइट, और इट वॉज इन्वेंटेड बाय विक्टर, राइट, सीनमैन इन 1975। देन क्या हो जाएगा, फ्रीडे हो जाएगा। अब फ्रीडे एक ऐसा रोबोट है जिसमें रोबोट
जो रोबोट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका यूज़ किया गया था। तो इसमें ऑब्जेक्ट लेवल रोबोट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या किया गया था, यूज़ किया गया था। क्लियर। तो फ्रीडे, अब फ्रीडे के भी दो रोबोट थे, फ्रीडे फर्स्ट और क्या हो जाएगा, फ्रीडे सेकेंड, राइट। फ्रीडे फर्स्ट का डेवलपमेंट किया गया था 1969 से 1970 के बीच में, और फ्रीडे सेकेंड का 1976 तक, राइट। तो फ्रीडे फर्स्ट 1971 एंड फ्रीडे सेकेंड 1976 वर एक्सपेरिमेंटल रोबोट्स बिल्ड इन द डिपार्टमेंट ऑफ मशीन इंटेलिजेंट राइट एंड परसेप्शन यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग। तो सिंपली आप याद रखेंगे फ्रीडे फर्स्ट 1971 और फ्रीडे सेकेंड 1976 एक्सपेरिमेंटल रोबोट थे जिनको यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग में क्या किया गया था, डेवलप किया गया था, और इसमें फर्स्ट ऑब्जेक्ट लेवल रोबोट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया गया था। उसके बाद में क्या हो जाएगा, एड्रिल फर्स्ट हो जाएगा। तो एड्रिल फर्स्ट भी कैसा रोबोट है जिसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया गया था, और एड्रिल फर्स्ट में मल्टीटास्किंग पैरेलल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड फॉर रोबोट कंट्रोल का क्या किया गया था, यूज किया गया था। तो ADRIEL एड्रिल फर्स्ट एक ऐसा रोबोट है जिसमें फर्स्ट मल्टीटास्किंग पैरेलल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड फॉर रोबोट कंट्रोल का क्या किया गया था, यूज किया गया था, राइट। नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, फेमी सेपियन हो जाएगा। तो फेमी मतलब क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा। तो फेमी सेपियन क्या है, फर्स्ट फीमेल ह्यूमनाइड रोबोट है, मतलब ये ह्यूमनाइड रोबोट है, ह्यूमन के शेप में है, और साथ ही साथ ये फीमेल जो है ह्यूमनाइड रोबोट है। तो फेमी सेपियन इज द फर्स्ट फीमेल ह्यूमनाइड रोबोट एंड इट कुड रिस्पोंड टू साइट्स साउंड्स एंड टच, राइट। इसको कब लॉन्च किया गया था, 2008 में। तो फेमी जो सेपियन है वो फर्स्ट फीमेल ह्यूमनाइड रोबोट है जो कि साउंड को, टच को, साइट को रिस्पोंड कर सकता है, और इसको 2008 में लॉन्च किया गया था। उसके बाद में हो जाएगा इफ्सना रोबोट। तो इफ्सना जो रोबोट है ये वर्ल्ड का फर्स्ट एंड्रॉयड रोबोट है जो कि अरबिक लैंग्वेज में क्या कर सकता है, कन्वर्सेशन कर सकता है। ध्यान रखना बेवोट फर्स्ट एंड्रॉयड रोबोट है बट उसमें कन्वर्सेशन स्किल्स नहीं थी, राइट। तो इवनसिना रोबोट, राइट, इवनसिना रोबोट इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट एंड्रॉयड रोबोट विद अरबिक लैंग्वेज कन्वर्सेशन एबिलिटीज, मतलब ये अरबिक लैंग्वेज में कन्वर्सेशन भी कर सकता है। इट वॉज क्रिएटेड बाय निकोलस राइट मैवरी रीड्स, राइट। तो इट वॉज डेवलप्ड बाय निकोलस मैवरी डीज एंड हैंसन रोबोटिक्स एट यूनिवर्सिटी ऑफ UAE। क्लियर। नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, असीमो हो जाएगा। अब असीमो भी एक जो है ह्यूमनाइड रोबोट है, और इसको किसने डेवलप किया है, होंडा कंपनी ने, कब, 2000 में, राइट। और असीमो का फुल फॉर्म क्या होता है, एडवांस्ड स्टेप इन इनोवेटिव क्या हो जाएगा, मोबिलिटी हो जाएगा। क्लियर। तो जो होंडा कंपनी है उसने इसको क्या किया था, बनाया था। तो असीमो इज अ ह्यूमनाइड रोबोट क्रिएटेड बाय होंडा इन 2000, राइट। और असीमो का फुल फॉर्म क्या हुआ, एडवांस्ड स्टेप इन इनोवेटिव मोबिलिटी। देन हो जाएगा यहाँ पर सोफिया, और इससे तो क्वेश्चन बहुत ही, मतलब इससे तो क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अभी तक हमने ह्यूमनाइड रोबोट के बारे में अच्छे से समझ लिया। ह्यूमनाइड रोबोट्स ऐसे रोबोट्स होते हैं जो कि ह्यूमन फॉर्म में होते हैं या ह्यूमन जैसे होते हैं, राइट। जैसे जो जितने भी ऑर्गन्स होते हैं या एक तरीके से जो है, तो ये उसी तरीके से होते हैं। तो ह्यूमनाइड रोबोट्स जो है वो ह्यूमन की तरह उनका क्या होता है, लुक होता है। और सोफिया भी एक ह्यूमनाइड रोबोट है बट ये एक कैसा है, सोशल रोबोट है, विच मीन्स दैट कि ये ह्यूमन बिहेवियर को क्या करता है, मिमिक कर सकता है, साथ ही साथ जो लव है, ह्यूमन लव है, उसको भी इंड्यूस कर सकता है। क्लियर। तो फर्स्ट थिंग जो आपको रिमेंबर करनी है वो ये है कि सोफिया इज अ सोशल ह्यूमनाइड रोबोट विच वॉज डेवलप्ड बाय हांगकॉन्ग बेस्ड कंपनी हैंसन रोबोटिक्स। तो इसको हैंसन जो थे उन्होंने बनाया था, और इनकी ही कंपनी थी हैंसन रोबोटिक्स। तो सोफिया इज सोशल ह्यूमनाइड रोबोट डेवलप्ड बाय हांगकॉन्ग बेस्ड कंपनी हैंसन रोबोटिक्स। सोफिया वॉज एक्टिवेटेड ऑन फेबर 14, 2016। और
जो सोफिया है, सोफिया इज मार्केटेड एज सोशियल रोबोट। इसको सोशियल रोबोट क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट कैन मिमिक सोशियल बिहेवियर एंड इंड्यूस फीलिंग ऑफ लव इन ह्यूमंस। ये वर्ल्ड का मोस्ट एडवांस रोबोट जो है माना जाता है। और साथ ही साथ इसका जो ये जो दिखता है, ये हॉलीवुड एक्ट्रेस राइट एड्री हेपबर्न की तरह दिखता है। तो इट लुक्स लाइक हॉलीवुड एक्ट्रेस ऑड्री हेपबर्न। एंड इन 2017 इट वॉज शोकेस्ड इन द मुंबई टेक फेस्ट इन इंडिया। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर दांते सेकेंड। तो दांते सेकेंड इज अ यूनिक वॉकिंग रोबोट है और इसके पास में कुछ स्पेशल एबिलिटीज है राइट दैट प्रोवाइड्स इनसाइट इनटू हाई मोबिलिटी रोबोटिक लोकोमेशन एंड रिमोट रोबोटिक एक्सप्लोरेशन। मतलब इसको रिमोट के द्वारा जो है इसके द्वारा एक्सप्लोरेशन किया जा सकता है। इसीलिए इसको अलास्का वॉल्केनो में स्टडी के लिए क्या किया गया था, डिप्लॉय किया गया था। तो दांते सेकेंड इज अ यूनिक वॉकिंग रोबोट दैट प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट इंसाइट इनटू हाई मोबिलिटी राइट रोबोटिक लोकोमोशन एंड रिमोट रोबोटिक एक्सप्लोरेशन। एंड दिस दांते सेकेंड वॉज डिप्लॉयड सक्सेसफुली टेस्टेड इन रिमोट अलास्का वॉल्केनो। तो इसको अलास्का वॉल्केनो में डिप्लॉय किया गया था। फिर हो जाएगा रोबोकॉप। देखिए ये एक रोबोट है जिसको पुलिस ऑफिसर का डेजिग्नेशन दिया गया है। तो रोबोकॉप इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट रोबोट पुलिस ऑफिसर एंड दिस वॉज इंडक्टेड इन दुबई पुलिस फोर्स। क्लियर। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर रोबोट्स डेवलप्ड बाय क्या हो जाएगा, यूएसए हो जाएगा, सॉरी नासा हो जाएगा। अब देखिए नासा जो है यूएसए की स्पेस एजेंसी है जो कि कई स्पेस मिशन को क्या करती है, लॉन्च करती है और उन स्पेस मिशन में कई रोबोट्स की भी हेल्प ली जाती है। क्योंकि स्पेस में ऑक्सीजन की भी स्पेस में ऑक्सीजन नहीं होता है, साथ ही फूड की भी शॉर्टेज होती है, इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको हम स्पेस में नहीं भेज सकते हैं। देयरफॉर जो है स्पेस में कई जो फंक्शंस हैं, कई टास्क हैं, उनको कंप्लीट करने के लिए वेरियस जो है रोबोट्स का यूज़ किया जाता है। तो वो कौन कौन से रोबोट्स हैं उनको हम समझेंगे राइट। तो नाउ लेट्स स्टडी रोबोट्स डेवलप्ड बाय नासा। उसमें पहला क्या हो जाएगा, रोबोनॉट हो जाएगा। रोबोनॉट एक क्या है, ह्यूमनॉइड रोबोट है। तो रोबोनॉट इज अ रोबोट राइट। तो रोबोनॉट एक ऐसा रोबोट है जिसको नासा ने डेवलप किया गया है और ये एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जो है इसको डिप्लॉय किया गया है। देन हो जाएगा रेसोर, और इसको रेजोर भी जो है पढ़ा जाता है। रेसोर एक ऐसा रोबोट है जिसको मून की सरफेस पर क्या किया गया है, डिप्लॉय किया गया है। तो रेजोर या रेसोर इज अ रोबोट सेंट टू द सरफेस ऑफ द मून। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, स्पाइडर नॉट नासा के द्वारा डेवलप किया गया एक इम्पॉर्टेंट रोबोट है राइट। और ये एक एक्स्ट्रा व्हीकुलर रोबोट है, EVR है, और इसका यूज किसके लिए किया जाएगा, जो फ्यूचर स्पेस मिशन होंगे उनके कंस्ट्रक्शन के लिए, मेंटेनेंस के लिए, रिपेयर प्रोजेक्ट्स के लिए इसका यूज किया जाएगा। तो स्पाइडर नॉट इज अ एक्स्ट्रा व्हीकुलर रोबोट फॉर कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड रिपेयर प्रोजेक्ट इन फ्यूचर स्पेस मिशंस राइट। फिर अगला क्या हो जाएगा, एथलीट एक लूनार रोवर है। मतलब इसको ऑन द सरफेस ऑफ मून पर डिप्लॉय किया गया जिसमें क्या है, 6 लिम्ब है। क्लियर। तो वो रोबोनॉट एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसको इंटरनेशनल स्पेस जो स्टेशन है उसमें डिप्लॉय किया गया है। रेजोर जो है एक ऐसा रोबोट है जिसको सरफेस ऑफ मून पर जो है भेजा गया है। फिर स्पाइडर नॉट फ्यूचर स्पेस मिशन के लिए जो है वर्क करेगा। एथलीट ये भी एक लूनार रोबोट है जिसमें 6 लिम्ब है। फिर डेक्स्टर भी एक टेली मैनिपुलेटर क्या है, रोबोट है, और इसमें कितनी आर्म है, 2 आर्म है। तो डेक्स्टर इज अ टेली मैनिपुलेटर रोबोट जिसकी 2 आर्म है, डेवलप्ड बाय नासा। फिर क्या हो जाएगा, क्यूरियोसिटी हो जाएगा, ये एक मार्स रोवर है। फिर सोजर्नर हो जाएगा, ये भी एक मार्स रोवर है। उसके बाद में क्या हो जाएगा, परसिवरेंस हो जाएगा। तो परसिवरेंस भी एक रोवर है जो कि मार्स पर राइट।
जी जेर क्रिएटर पर जो है भेजा गया है। तो परसिवरेंस इज अ रोवर सेंट टू जी जेर क्रिएटर ऑफ द मार्स इन 2020। क्लियर। अब रोबोटिक्स रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं उनके बारे में समझते हैं। तो यहां पर एक वर्ड आता है ऑर्निथोप्टर। ऑर्निथोप्टर क्या होता है कि ऑर्निथोप्टर एक ऐसी मशीन रोबोट, राइट, रोबोट या फिर एयरक्राफ्ट होता है जो कि फ्लाई करता है बाय फ्लैपिंग इट्स विंग्स, राइट। जैसे जो वर्ड्स फ्लाई करते हैं उसी तरीके से ये एक ऐसा रोबोट या एयरक्राफ्ट होता है जो कि विंग्स को फ्लैप करने से ही क्या करता है, फ्लाई करता है। तो ऑर्निथोप्टर, राइट, ऑर्निथोप्टर इज अ रोबोट और एयरक्राफ्ट दैट फ्लाइज बाय फ्लैपिंग इट्स विंग। देन क्या हो जाएगा, एस्ट्रॉइड माइनिंग रोबोट। तो एस्ट्रॉइड माइनिंग रोबोट ऐसा रोबोट हो जाता है, रोबोट होता है जो कि एस्ट्रॉइड पर जाकर माइनिंग कर सकता है। एंड द फर्स्ट एस्ट्रॉइड माइनिंग रोबोट वॉज यूज बाय चाइना। फिर क्या हो जाएगा, वर्ल्ड रोबोट ओलंपियाड क्या हो जाएगा, 2020 हो जाएगा। अब यहाँ से ये दोनों पॉइंट आपको करंट अफेयर्स से भी करंट का करने हैं। जब भी आप अपकमिंग एग्जाम देंगे तो करंट अफेयर्स में रोबोट का जो ओलंपियाड है या कॉन्फ्रेंस है ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई है, क्योंकि रोबोटिक्स हमारे सिलेबस में है तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जो अवेलेबल स्टैटिक्स हैं उनके अनुसार अगर हम देखें तो वर्ल्ड रोबोट ओलंपियाड 2020 ऑर्गेनाइज हुआ था मॉन्ट्रियल कनाडा में। देन वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस 2020 ऑर्गेनाइज हुई थी, राइट, फुकुशिमा जापान में। फिर एक है बम्बल रोबोट, राइट। अब देखिए बम्बल रोबोट एक ऐसा रोबोट है विच कैन फ्लाई इन द स्पेस और ये अपनी पावर से ही क्या करता है, फ्लाई करता है। तो बम्बल रोबोट इज अ रोबोट विच कैन फ्लाई इन स्पेस विद इट्स ओन पावर। इसको डेवलप किसने किया है, नेसा ने डेवलप किया गया है। फिर अगला हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका जो रोबोट है वो डेवलप किया है किसने, यूके ने। और ये ह्यूमन रोबोट इंटरेक्शन को क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा। तो अमेरिका रोबोट डेवलप्ड बाय यूके एंड अमेरिका इज प्राइमरली डिजाइंड एज अ प्लेटफॉर्म फॉर फर्दर डेवलपिंग रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी इन्वॉल्विंग ह्यूमन रोबोट इंटरेक्शन। फिर हो जाएगा यहां पर सेम रोबोट। तो सेम रोबोट वर्ल्ड का फर्स्ट वर्चुअली रोबोट है और ये क्या है, पॉलिटिशियन है। तो सेम रोबोट इज द वर्ल्ड फर्स्ट वर्चुअल पॉलिटिशियन डेवलप्ड बाय न्यूजीलैंड। क्लियर। अब हम समझते हैं यहां पर इंटरनेशनल रोबोट फेडरेशन। दरअसल क्या है कि देखिए रोबोट्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है तो रोबोट्स का एक पर्पस है कि जो ह्यूमन एक्शन से उनको सब्स्टिट्यूट करना और ह्यूमन लाइफ को बेटर एंड बेटर क्या करना, बनाना। बट कई बार रोबोट्स का मिसयूज भी किया जा सकता है, इसीलिए ये फेडरेशन है। और ये क्या करता है कि जो इंटरनेशनल रोबोट फेडरेशन है, इंटरनेशनल रोबोट फेडरेशन एक क्या है, नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इंटरनेशनल रोबोट फेडरेशन एक नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ऑब्जेक्टिव है टू ग्रो द रोबोटिक्स बिजनेस इन द वर्ल्ड। साथ ही साथ जो रोबोटिक्स बिजनेस है उसको स्ट्रेंथन करना और रोबोटिक्स बिजनेस के लिए सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका एस्टेब्लिशमेंट कब है, 1987 में। तो नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, जिसको फॉर्म किया गया है 1987 में। साथ ही साथ एक फैक्ट और याद रखना है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो रोबोट्स हैं वो इंपोर्ट किए जाते हैं चाइना के द्वारा। तो चाइना इज़ द लार्जेस्ट बायर ऑफ रोबोट्स और 56% जो रोबोट्स हैं वो चाइना ने क्या किए हैं, बाय किए हैं। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द रोबोट्स। क्लियर। जैसे अगर हम देखें तो ह्यूमन बॉडी में कई क्या होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं। उन ऑर्गन से हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करते हैं, राइट, जैसे हैंड्स हो जाएंगे, लेग्स हो जाएंगे, लीवर हो जाएगा, राइट, ब्रेन हो जाएगा। वैसे ही रोबोट्स एक ऐसी मशीन है जिसके डिफरेंट क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। उन कंपोनेंट्स का यूज़ करके ही रोबोट डिफरेंट टास्क को एक्जीक्यूट करता है। तो यहाँ से भी सीधे सीधे MCQs बनेंगे। तो लेट्स स्टडी डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ रोबोट, जिसमें सबसे पहला हो जाएगा एंड इफेक्टर। एंड इफेक्टर वह कंपोनेंट होता है जो कि किसी भी आइटम को पिक करने में और प्लेस करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए इसको हैंड्स ऑफ रोबोट्स कहा जाता है। कुल मिलाकर जो ह्यूमन बॉडी में जो एक्टिविटीज़ या जो एक्शन हैंड्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है वही रोबोट में किसके द्वारा करते हैं, एंड इफेक्टर के द्वारा। तो
सीधी सी हम कह सकते हैं कि रोबोट के जो हाथ हैं वो क्या कहलाते हैं, एंड इफेक्टर, राइट। तो एंड इफेक्टर वह कंपोनेंट है जो कि आइटम को पिक करता है, प्लेस करता है, और इसे हैंड्स ऑफ रोबोट भी कहा जाता है। देन मैनिपुलेटर, मैनिपुलेटर वह कंपोनेंट होता है जिसको क्या कहते हैं, आर्म्स ऑफ द रोबोट कहते हैं, और यह किसी भी पर्टिकुलर आइटम को पिक करके किसी दूसरी डायरेक्शन में क्या कर देता है, प्लेस कर देता है। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्चुएटर्स हो जाएगा। एक्चुएटर्स को रोबोट की क्या कहते हैं, मसल्स और जॉइंट्स भी कहते हैं। यह एक्स्ट्रा फोर्स जो है एक्सर्ट करने के लिए एक्चुएटर्स यूज करते हैं। देन क्या हो जाएगा, कंट्रोलर हो जाएगा। जैसे ह्यूमन बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय ब्रेन, वैसे ही जो रोबोट होता है, तो रोबोट का एंड इफेक्टर है, मैनिपुलेटर है, एक्चुएटर्स है, इन सबको कंट्रोल किया जाता है कंट्रोलर के द्वारा, और इसीलिए इसको ब्रेन ऑफ द रोबोट भी कहते हैं। फिर सेंसर हो जाएगा। तो जैसे वी हैव सेंस ऑर्गन्स लाइक आईज, नोज, राइट, टंग, ईयर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वैसे ही रोबोट्स में भी सेंसर्स होते हैं जो कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिसकी वजह से ही रोबोट किसी भी आइटम की जो है लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, डिस्टेंस क्या है, वो मेजर करता है। तो सेंसर्स आर द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द रोबोट्स। देन क्या हो जाएगा, पावर सोर्स के रूप में क्या होती है, यहाँ पर बैटरी होती है, राइट। तो यहाँ पर रोबोट को एनर्जी, रोबोट एक मशीन है, ऑब्वियसली इसकी फंक्शनिंग के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और उसके लिए बैटरी को पावर सोर्स के रूप में यूज़ किया जाता है। देन लोकोमोशन क्या हो जाएगा, टेक्नोलॉजी हो जाएगी। तो जो डिफरेंट टाइप्स के रोबोट्स होते हैं उसमें, कई रोबोट्स में व्हील्ड स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, जो कि एक तरीके से रोबोट को वन पर्टिकुलर प्लेस से अनदर पर्टिकुलर प्लेस में मूव करने में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, लेग्स भी कहते हैं। तो जो लोकोमोशन टेक्नोलॉजी ऑफ रोबोट होती है उसके लिए व्हील स्ट्रक्चर्स होते हैं, और उनको ही रोबोट के लेग्स भी कहा जाता है। देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाएगा, क्लियर। तो ये सभी रोबोट के कंपोनेंट्स थे। अब अगर एग्जाम में डीप में क्वेश्चन पूछा जाए कि चलिए हमने मान लिया कि कंट्रोलर जो होता है, राइट, वो क्या होता है, ह्यूमन ब्रेन ऑफ द रोबोट होता है, बट कंट्रोलर के रूप में यूज किसका करते हैं, ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो इसके लिए हम जो है डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, कंट्रोलर हो जाएगा। तो देखिए कंट्रोलर क्या होता है, कंट्रोलर रोबोट का एक ऐसा कंपोनेंट होता है विच डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ मैनिपुलेटर एंड एंड इफेक्टर। अभी मैंने बताया था कि मैनिपुलेटर और एंड इफेक्टर, एंड इफेक्टर क्या होते हैं, रोबोट के हाथ होते हैं। तो कंट्रोलर एक ऐसा कंट्रोलर एक ऐसा कंपोनेंट होता है विच डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ मैनिपुलेटर एंड द एंड इफेक्टर, अर्थात जो काम ब्रेन ह्यूमन बॉडी में करता है वही कंट्रोल जो है कंट्रोलर के द्वारा किया जाता है, इसीलिए इसे ब्रेन ऑफ द रोबोट भी कहा जाता है। और कंट्रोलर के रूप में किसका किया जाता है यूज, डिजिटल कंप्यूटर में, राइट। तो डिजिटल कंप्यूटर दैट इंक्लूड्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ये कंट्रोलर की तरह वर्क करता है। तो डिजिटल कंप्यूटर दैट इंक्लूड्स बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एक्ट्स एज अ कंट्रोलर ऑफ द रोबोट। तो जो डिजिटल कंप्यूटर होता है वही रोबोट का क्या होता है, ह्यूमन ब्रेन होता है, और जो काम ह्यूमन बॉडी में ब्रेन करता है वही डिजिटल कंप्यूटर कंट्रोलर के रूप में करता है। एंड विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलर और डिजिटल कंप्यूटर रोबोट इज एबल टू कैरी आउट द असाइंड टास्क। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर एंड इफेक्टर्स हो जाएंगे। तो एंड इफेक्टर्स वह कंपोनेंट होता है जो कि किसी भी आइटम को पिक करके प्लेस कर देता है, अर्थात वह हैंड के रूप में जो है, जैसे ह्यूमन बॉडी में हैंड होता है उसी तरह वर्क करता है, इसलिए एंड इफेक्टर को हैंड्स ऑफ रोबोट भी कहा जाता है। देन क्या हो जाएगा, मैनिपुलेटर। मैनिपुलेटर क्या होता है, देखिए मैनिपुलेटर इज अ सीरीज ऑफ स्लाइडिंग एंड जॉइंट सेगमेंट्स पुट टुगेदर टू फॉर्म एन आर्म लाइक स्ट्रक्चर इन अ रोबोट। तो रोबोट में स्लाइडिंग या जॉइंट सेगमेंट्स की एक सीरीज होती है जो कि एक साथ होते हैं टू फॉर्म एन आर्म लाइक स्ट्रक्चर, और उसी आर्म लाइक स्ट्रक्चर को ही क्या कहते हैं, मैनिपुलेटर कहते हैं, इसीलिए इसको रोबोट का आर्म्स ऑफ द रोबोट भी कहते हैं, राइट। इट इज केपेबल ऑफ मूविंग
ऑब्जेक्ट्स विद इन अ गिवन नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट। तो ये जो आर्म लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये जैसे इसने यहाँ पर आइटम को पिक किया और यहाँ पर जाकर क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया, तो ये गिवन नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम में भी क्या करता है, ऑब्जेक्ट्स को मूव करता है। इसका जो बेस होता है, राइट, द बेस ऑफ द मैनिपुलेटर इज फिक्स्ड टू द बेस सपोर्ट ऑफ द रोबोट। तो जो रोबोट का ओवरऑल बेस होता है, उसके बेस के साथ ही मैनिपुलेटर का बेस क्या होता है, फिक्स्ड होता है, और उस बेस पर जो कई स्ट्रक्चर अटैच होते हैं, जैसे पाम है, फिंगर है, राइट। तो पाम और फिंगर जैसे जो स्ट्रक्चर अटैच होते हैं, उनको ही हम क्या कहते हैं, यहाँ पर एंड इफेक्ट कहते हैं। तो ये हो गया रोबोट का बेस, इस पर होता है मैनिपुलेटर का बेस, जिस पर पाम या फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको क्या कहते हैं, एंड इफेक्टर कहते हैं, मतलब रोबोट के हाथ। और मैनिपुलेटर जो है वो किसी भी आइटम को यहाँ से पिक करेगा, यहाँ पर क्या कर देगा, ड्रॉप कर देगा। और जो रोबोट का कंट्रोलर होता है या डिजिटल कंप्यूटर होता है, वही मैनिपुलेटर और एंड इफेक्टर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। फिर उसके बाद में हो जाएगा एक्चुएटर। एक्चुएटर इज अ इंजन और मोटर दैट मूव्स द लिंक्स इनटू देयर डेसिग्नेटेड क्या हो जाएगा, पोजीशन। तो ये क्या करता है कि जो डेसिग्नेटेड पोजीशन होता है उनको क्या करता है, लिंक करता है। इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, मसल्स करते हैं। जैसे मसल्स क्या करती हैं, जो है हार्ड हो जाती हैं और सॉफ्ट हो जाती हैं, वैसे ही ये क्या करता है, जो है एक्स्ट्रा फोर्सेस को अप्लाई करता है। तो एक्चुएटर इज द इंजन और मोटर दैट मूव्स द लिंक्स इनटू देयर डेजिग्नेटेड पोजीशन। एक्चुएशन ऑफ द जॉइंट्स टिपिकली बाय इलेक्ट्रिक मोटर कॉजेज द रोबोट टू मूव एंड एक्सर्ट फोर्सेस इन डिजायर्ड वेज। देन क्या हो जाएगा, यहाँ पर लोकोमोशन टेक्नोलॉजी हो जाएगी। तो रोबोट को मूव करने के लिए, राइट, मूवमेंट और लोकोमोशन, या रोबोट को ए वन पर्टिकुलर प्लेस से अनदर प्लेस में मूव करने के लिए जो है क्या होते हैं, लैग्ड होते हैं और व्हील्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो देयर आर लैग्ड और व्हील्ड स्ट्रक्चर्स सपोर्टेड बाय द मोटर्स, राइट, जो कि रोबोट को वन पर्टिकुलर प्लेस से अनदर प्लेस पर मूव करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसको ही लोकोमोशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, या उसको लैग ऑफ द क्या कहते हैं, रोबोट कहते हैं। देन क्या हो जाएगा, सेंसर हो जाएगा, सेंसर को ही क्या कहते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्या हो जाएगा, रोबोट हो जाएगा। तो जैसे ह्यूमन बॉडी में आइस, नोज, ईयर सेंस ऑर्गन्स होते हैं, वैसे ही रोबोट किसी भी पर्टिकुलर आइटम की जो पोजीशन क्या है, वेलोसिटी क्या है, फोर्स क्या है, उसको सेंस करने के लिए क्या होते हैं, सेंसर्स होते हैं। तो सेंसर्स इन रोबोट मेजर क्वांटिटीज सच एज पोजीशन, वेलोसिटी, फोर्स, टॉर्क्यू, प्रॉक्सिमिटी एंड टेम्परेचर एक्सेट्रा, राइट। इसीलिए इन्हें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ रोबोट भी कहा जाता है। अब रोबोट में क्या होता है, एक होता है रोबोटिक विजन, और रोबोटिक विजन में किसका किया जाता है, लीडार का यूज किया जाता है, जो कि एक वेव बेस्ड क्या होता है, सेंसर होता है। तो रोबोटिक विजन के लिए लीडार का यूज किया जाता है, जो कि एक वेव बेस्ड क्या होता है, सेंसर होता है। और इस लीडार जो कि एक वेव बेस्ड सेंसर है, इसमें जो है लाइट बीम का यूज किया जाता है लेजर्स के रूप में। और ये जो लाइट बीम होती है, लेजर होती है, ये हाई रिजोल्यूशन 3D पॉइंट मैप को क्या करती है, क्रिएट करती है, और जो डिटेक्ट द डिस्टेंस ऑफ द टारगेट, जो भी टारगेट होता है उसकी डिस्टेंस को क्या कर लेती है, डिटेक्ट कर लेती है। फिर क्या हो जाएगा, रोबोटिक टच। तो जो कैप्टिव सेंसिंग टेक्नोलॉजी है, राइट, तो कैप्टिव सेंसिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा रोबोट क्या करता है, डिफरेंट सर्फेस को फील करता है। तो कैप्टिव सेंसिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से रोबोट्स फील डिफरेंट सर्फेसेस। देन क्या हो जाएगा, रोबोटिक साउंड, तो माइक्रोफोन हो जाएगा। तो रोबोट्स में क्या होता है, माइक्रोफोन होता है। तो रोबोटिक साउंड में रोबोट में माइक्रोफोन का यूज़ किया जाता है, और माइक्रोफोन के माध्यम से ही रोबोट जो इमोशनल स्टेट ऑफ ह्यूमन्स वॉइस है उसको क्या कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है। क्लियर। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाएगा। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ अ मशीन टू इमिटेट इंटेलिजेंट ह्यूमन बिहेवियर।
तो किसी भी मशीन की वह एबिलिटी जिससे वह इंटेलिजेंट ह्यूमन बिहेवियर को क्या करता है, बिहेवियर को अप्लाई करता है, उसको हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज डिफाइंड एज एबिलिटी ऑफ अ मशीन टू इमिटेट इंटेलिजेंट ह्यूमन बिहेवियर। और ये AI कैसे डेवलप होता है, तो किसी भी मशीन को डिफरेंट डाटा मॉडल्स की ट्रेनिंग दी जाती है और उन डाटा मॉडल की ट्रेनिंग के द्वारा जब उस मशीन में एक्यूरेसी आ जाती है तो उसमें जो AI है या जो मशीन लर्निंग है वो डेवलप हो जाती है और उस AI के माध्यम से फिर जो रोबोट है वो वेरियस टास्क को क्या करता है, परफॉर्म करता है, राइट। और रोबोट कैन प्रिडिक्ट डिसीज, राइट, रोबोट कैन क्लोन वॉइसेस, AI कैन लिसन टू इमोशंस एज वेल, राइट। तो ये भी रोबोट्स की एक स्पेसिफिक क्या होता है, कंपोनेंट होता है AI। फिर क्या हो जाएगा, पावर सोर्स हो जाएगा। तो रोबोट्स को वेरियस टास्क को कंप्लीट करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और उसके लिए रोबोट में पावर सोर्स होता है। पावर सोर्स के रूप में बैटरी भी हो सकती है। तो रोबोट्स में लेड एसिड या सिल्वर कैडमियम की बैटरी का यूज़ किया जाता है। सोलर पैनल्स भी लगे होते हैं जो कि सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर न्यू मैटिक भी होता है, तो न्यू मैटिक के रूप में कंप्रेस्ड गैस का एनर्जी सोर्स के रूप में यूज़ किया जाता है। फिर हाइड्रोलिक भी होता है, तो रोबोट्स में हाइड्रोलिक होता है जिसमें डिफरेंट लिक्विड्स होते हैं और इन डिफरेंट लिक्विड्स का यूज़ करके हाइड्रोलिक के रूप में पावर सोर्स होता है। फिर ऑर्गेनिक गार्बेज हो सकता है और न्यूक्लियर एनर्जी, राइट। तो इस तरीके से वी हैव स्टडीड द कंपोनेंट्स ऑफ रोबोट। नाउ लेट्स स्टडी टाइप्स ऑफ रोबोट्स। रोबोट्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो समझते हैं। तो नॉर्मली ऑन द बेसिस ऑफ नीड रोबोट्स जो है कई वैरायटी के होते हैं, बट उनको मेनली जो है टू में क्लासीफाई किया जा सकता है। तो देयर आर डिफरेंट और मैनी टाइप्स ऑफ रोबोट्स, बट दीज रोबोट्स या डिफरेंट रोबोट्स कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी रोबोट्स आर फर्स्ट ह्यूमनाइड रोबोट्स, ऐसा रोबोट्स जो कि ह्यूमन जैसा होता है, राइट, लुक्स लाइक ए ह्यूमन। तो द रोबोट विच लुक्स लाइक ह्यूमन इज नोन एज ह्यूमनाइड रोबोट। फिर जिसका साइज बहुत छोटा होता है वो नॉन रोबोट हो जाएगा। फिर ऐसा रोबोट जिसको किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए प्रोग्राम किया जाता है उनको क्या कहते हैं, प्री प्रोग्राम्ड रोबोट कहते हैं। फॉर ऑटोमोशन रोबोट हो जाएगा जो कि AI पर बेस्ड होता है। फिर टेली ऑपरेटेड रोबोट हो जाएगा जिसको हम ऑपरेट कर सकते हैं रिमोट के द्वारा। फिर ऑगमेंटिक रोबोट्स हो जाएंगे, राइट, जो कि स्पेशली जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, राइट, उनमें जो है उनमें कनेक्ट किए जाते हैं, उनकी बॉडी में कनेक्ट किए जाते हैं। माइक्रो रोबोट जिनका साइज क्या होता है, माइक्रो लेवल का होता है। फिर बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, तो बेस्ड ऑन एप्लीकेशन देयर आर वेरियस रोबोट्स, राइट, जैसे ऐसे रोबोट्स जिनका यूज इंडस्ट्रीज में किया जाता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द आइटम, पिक एंड प्लेस द डिफरेंट प्रोडक्ट्स, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियल रोबोट्स। तो इंडस्ट्रीज में यूज़ की जाने वाले रोबोट्स इंडस्ट्रियल रोबोट्स हो जाएंगे, राइट। हमारे एट होम्स जो रोबोट्स जो है क्लीनिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, डोमेस्टिक रोबोट्स हो जाएंगे। फिर सर्जरी के लिए रोबोट्स हो जाएंगे, उनको मेडिकल रोबोट्स भी कह सकते हैं। फिर मिलिट्री में कई रोबोट्स यूज़ किए जाते हैं। फिर रोबोट्स फॉर सर्वे वर्क, एंटरटेनमेंट रोबोट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसमें से ये जो रोबोट्स बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी है, यहाँ से डीप में क्वेश्चंस जो है पूछे जा सकते हैं। तो इनके बारे में हम जो है वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहला हो जाएगा प्री प्रोग्राम्ड रोबोट, क्लियर। अब प्री प्रोग्राम्ड रोबोट ऐसे होते हैं जिनको पहले से किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए क्या किया जाता है, प्रोग्राम किया जाता है। जैसे मैंने कहा कि कोई कंपनी है, अब कंपनी में यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर रेड कलर से स्प्रे करना है, यहाँ पर ब्लू कलर से, यहाँ पर ब्लैक कलर से, यहाँ पर वाइट कलर से, तो हम क्या करेंगे, रोबोट्स को पहले ही प्रोग्राम कर देंगे तो वो इस पर्टिकुलर एरिया में वाइट कलर से पेंट करेगा, यहाँ पर रेड कलर से, यहाँ पर येलो कलर से, राइट। कहने का मतलब ये है कि जो भी डिफरेंट टास्क है उसके लिए जैसा भी हम प्रोग्रामिंग करेंगे रोबोट्स क्या करेगा, वैसा ही करेगा, क्लियर। तो उनको क्या कहते हैं, प्री प्रोग्राम्ड रोबोट्स कहते हैं। तो प्री प्रोग्राम्ड रोबोट्स ऐसे रोबोट्स होते हैं विच ऑपरेट इन अ सिंपल कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट
so that they do not require an artificial intelligence to function successfully. तो इनके लिए AI की ज़रूरत नहीं होती है, ये प्री प्रोग्राम्ड होते हैं और उसी प्रोग्राम के अकॉर्डिंग किसी भी टास्क को परफॉर्म करते हैं. विच मीन्स ये ऐसे रोबोट्स होते हैं जिन्हें राइट या दीज रोबोट्स आर वंस दैट हैव टू बी टोल्ड अहेड ऑफ द टाइम व्हाट टू डू और ये सिंपली उसी को क्या करते हैं एग्जीक्यूट करते हैं. इनका जो यूज़ है वो इंडस्ट्री में असेंबली लाइन में किया जाता है. जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग है तो एक रोबोट जो है केवल और केवल स्क्रू को क्या करता है टाइट करता है, एक जो है उसको प्लेस करता है, एक जो है उस पर कलर करता है. तो असेंबली लाइन में प्री प्रोग्राम्ड रोबोट्स को जो है यूज़ किया जाता है. प्री प्रोग्राम्ड रोबोट्स में AI का यूज़ नहीं होता है. सेकेंड हो जाएगा ह्यूमनाइड रोबोट्स. तो ह्यूमनाइड रोबोट्स ऐसे रोबोट्स होते हैं दैट लुक लाइक ह्यूमन और मिमिक ह्यूमन बिहेवियर. तो ऐसे रोबोट्स दैट लुक लाइक ह्यूमन और मिमिक ह्यूमन बिहेवियर उनको ही ह्यूमनाइड रोबोट कहते हैं. उनका जो ओवरऑल अपीयरेंस होता है वो ह्यूमन बॉडी के समान ही होता है राइट. एंड दीज रोबोट्स यूजुअली परफॉर्म ह्यूमन लाइक एक्टिविटीज फॉर एन एग्जाम्पल रनिंग जंपिंग राइट एंड कैरिंग ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो सोफिया के बारे में हमने पढ़ा था. तो सोफिया इज द सोशियल ह्यूमनाइड रोबोट. नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर टेली ऑपरेटेड रोबोट्स. तो टेली ऑपरेटेड रोबोट्स ऐसे रोबोट्स होते हैं विच आर यूजुअली हेल्पफुल इन सिचुएशन वेयर देयर इज अ नेसेसिटी टू मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस राइट. जैसे कहीं पर कोई डिसीज है या कहीं पर क्या है हजारडस सब्सटेंसेस रखा हुआ है, एक्सप्लोसिव आइटम है, वहाँ पर अगर कोई ह्यूमन जाके वहाँ पर इन्वेस्टिगेट करेगा तो ऑब्वियसली उसकी लाइफ जो है डेंजर में हो सकती है. वहाँ पर इन रोबोट्स को क्या किया जाता है यूज़ किया जाता है. जैसे क्या हो जाएगा अंडर वे एप्लीकेशंस क्लियर. तो टेली ऑपरेटेड रोबोट्स आर यूजुअली हेल्पफुल इन सिचुएशन वेयर देयर इज अ नेसेसिटी टू मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस फॉर एन एग्जाम्पल अंडर वाटर एप्लीकेशंस. और इनको रिमोटली क्या किया जाता है कंट्रोल किया जाता है और ये रिमोटली कंट्रोल भी किए जाते हैं ह्यूमंस के द्वारा. दीज रोबोट्स आर मोस्टली यूज्ड इन मेडिकल सर्जरीज एंड मिलिट्री ऑपरेशंस. अब मिलिट्री ऑपरेशंस में ड्यूरिंग वार जो है ये क्या करते हैं जो है इक्विपमेंट्स को कैरी करते हैं, साथ ही साथ जो मेडिकल सर्जरी है उसमें भी ये असिस्ट करते हैं क्लियर. नेक्स्ट हो जाएगा नैनो रोबोट्स. अब ऐसे रोबोट्स जो कि जिनका साइज बहुत ही छोटा होता है या हम सिंपल कह सकते हैं कि द रोबोट्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड एट द स्केल ऑफ 10^9 meters इज नोन एज नैनो रोबोट. और इसी पर बेस्ड कोई भी मशीन हो चाहे रोबोट हो मशीन हो उसी को ही क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी कहते हैं. तो नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें किसी भी मशीन का या रोबोट का साइज 10^-9 meters साइज हो उसको ही नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं. तो नैनो रोबोट्स ऐसे रोबोट्स होते हैं जिनका विच आर मैन्युफैक्चर्ड एट द स्केल ऑफ 10^9 meters और इसी को ही नैनो टेक्नोलॉजी भी कहते हैं. इनका यूज़ जो है वेरियस फील्ड में किया जाता है और ये स्लाइड बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर कई जो है वर्ड्स आपके सामने आएंगे. सबसे पहला क्या हो जाएगा नैनो चिप्स. नैनो चिप्स ऐसी होती हैं जिनसे आर्टरीज में जो प्लीग है उसको क्या किया जा सकता है चेक किया जा सकता है. तो नैनो चिप्स जो रोबोट्स होते हैं तो नैनो चिप्स आर यूज्ड टू चेक प्लीग इन आर्टरीज. फिर नैनो क्या होते हैं कैरियर्स होते हैं. तो नैनो कैरियर्स ऐसे रोबोट्स होते हैं जिनका यूज़ आई सर्जरी के लिए किया जाता है या कीमोथेरेपी के लिए किया जाता है. तो नैनो कैरियर्स का यूज़ आई सर्जरी के लिए या कीमोथेरेपी के लिए किया जाता है. फिर जो डायबिटिक पैड्स होते हैं डायबिटिक पैड्स का यूज़ जो है ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने में किया जाता है. फिर जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं नैनो पार्टिकल्स का यूज़ ड्रग डिलीवरी के लिए किया जाता है किसमें ब्रेन में. तो नैनो पार्टिकल्स आर यूज्ड फॉर ड्रग डिलीवरी टू द ब्रेन फॉर थेरापेटिक ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. फिर नैनो स्पंजेस होते हैं. अब स्पंज क्या होता है ये किसी भी लिक्विड को सक कर लेता है. तो नैनो स्पंजेस आर पॉलीमर नैनो पार्टिकल्स कोटेड विद अ रेड ब्लड सेल मेम्ब्रेन. और ये जो नैनो स्पंजेस ऐसे
ऐसी ब्लड सेल मेम्ब्रेन होती हैं जो कि ब्लड में जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको एब्जर्व कर लेती है और उनको ब्लड स्ट्रीम से क्या कर देती है, बाहर निकाल देती है। फिर क्या हो जाएंगे, नैनो फ्लेयर्स हो जाएंगे। तो नैनो फ्लेयर्स का यूज़ जो है कैंसर सेल को डिटेक्ट करने में किया जाता है। तो नैनो फ्लेयर्स आर यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ कैंसर सेल्स इन द ब्लड स्ट्रीम। और नैनो पोर्स हो जाएंगे जिनके माध्यम से डीएनए सीक्वेंसिंग की जाती है। तो यहाँ से हर एक फैक्ट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नैनो फ्लेयर्स आर यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ कैंसर सेल्स इन द ब्लड स्ट्रीम, नैनो पोर्स आर यूज्ड इन मेकिंग डीएनए सीक्वेंसिंग, देन नैनो स्पंजेस के माध्यम से ब्लड में जो भी टॉक्सिन्स होते हैं उनको ऑब्जर्व किया जाता है, राइट। नैनो पार्टिकल्स का ड्रग डिलीवरी के लिए यूज़ करते हैं। जो डायबिटिक पैड्स होते हैं उनसे ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट किया जाता है। नैनो कैरियर्स का यूज़ जो है वो आई सर्जरी के लिए, कीमोथेरेपी के लिए करते हैं। और नैनो चिप्स का जो यूज़ है वो आर्टरीज में प्लेक को चेक करने के लिए करते हैं। फिर अगला क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑगमेंटिंग रोबोट्स हो जाएगा। तो देखिए, ऑगमेंटिंग रोबोट्स ऐसे रोबोट्स होते हैं जिनको ह्यूमन बॉडी में फिट किया जाता है। और ये ऑगमेंटिंग जो रोबोट्स हैं या तो ह्यूमन जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको क्या कर देते हैं, इन्हांस कर देते हैं। जैसे एक्सोस्केलेटन है, एक्सोस्केलेटन क्या है, मतलब रोबोट्स है जिसकी लेग्स हैं, हैंड्स हैं और आप उसको ड्राइव करते हैं। जैसे आपने किस में देखा होगा, अवतार मूवी में देखा होगा, राइट। और ये किसी भी हैवी वेट को लिफ्ट कर सकते हैं। या फिर अगर कोई डिसेबल पर्सन है जिसको कोई लेग नहीं है, हैंड नहीं है, तो उसको हाथ या जो लेग है या हैंड है उसकी स्किल दे सकते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, प्रोस्थेटिक आर्म हो जाएगा, क्लियर। तो ऑगमेंटिंग रोबोट्स आइदर इन्हांस करंट ह्यूमन कैपेबिलिटीज, फॉर एन एग्जांपल एक्सटेंडिंग देयर रीच और गिव देम अ स्किल दे डू नॉट हैव, और जिनके लॉस्ट हो चुके हैं, जैसे रोबोटिक क्या हो जाएगा, प्रोस्थेटिक आर्म हो जाएगा। These robots are connected directly to the human user's body. तो human user's body में ये directly connect किए जाते हैं और उनके according ये work करते हैं। Example अगर हम देखें तो जो prosthetic limb हो जाएगा या exoskeleton हो जाएगा जिसके माध्यम से heavy weight को lift किया जाता है। फिर next हो जाएगा यहाँ पर autonomous robots हो जाएंगे। तो देखिए, एक होते हैं प्री प्रोग्राम्ड रोबोट्स। तो प्री प्रोग्राम्ड रोबोट्स ऐसे होते हैं जिनकी प्रोग्रामिंग पहले ही हो जाती है, विच मीन्स वी हैव टू टेल अर्लियर ऑफ द टाइम व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, राइट। उनको प्री प्रोग्राम्ड रोबोट्स कहते हैं। बट ऑटोनोमस रोबोट्स ह्यूमंस के जैसे होते हैं, ये किसी भी सिचुएशन को असेस करेंगे, एनालाइज करेंगे, डिसीजंस लेंगे, देन फिर क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। तो ऑटोनोमस रोबोट्स आर जस्ट लाइक ह्यूमंस, ऑल्सो हैव द एबिलिटी टू मेक देयर ओन decisions एंड देन परफॉर्म एन एक्शन, राइट। और ये किस पर होते हैं, AI पर बेस्ड होते हैं। तो जो ऑटोनोमस रोबोट्स होते हैं उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड होते हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ही ये सिचुएशन को असेस करते हैं, एनालाइज करते हैं, डिसीजन लेते हैं, देन उस फंक्शन को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, विच मीन्स ये इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं। जो ऑटोनोमस रोबोट्स आर यूज्ड एज लेबर सेविंग डिवाइसेस इन इंडस्ट्रीज और वैक्यूम क्लीनर्स एट रोम, क्लियर। तो इन दिस वे वी हैव स्टडीड द टाइप्स ऑफ रोबोट। आई थिंक दैट वी हैव स्टडीड अप्रोक्सीमेटली 1 hour. सो इन द अपकमिंग लेक्चर वी विल स्टडी रोबोट्स इन इंडिया। तो इंडिया में कौन कौन से रोबोट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूशंस रिलेटेड टू रोबोटिक्स इन इंडिया, also the applications of robotics, these topics would be covered by us in the upcoming lecture. So we will meet in upcoming lecture. Till then, thank you.